फिलहाल महाराष्ट्र में एक बड़ी बड़ा भूकंप आया है, फडणवीस सरकार दनदना के गिरी है, इस पर आपकी क्या पहली प्रतिक्रिया है सर? ऐसे कि मेरा तो ये 2014 से मिशन था कि फडणवीस को छोड़ के सभी लोगों ने साथ आना चाहिए, क्योंकि फडणवीस फडणवीस या संघ इतना जहरीला आदमी दूसरा कोई नहीं होगा, और उन्होंने 5 साल में जो महाराष्ट्र का नुकसान किया है, इसलिए मैं खुश हूँ। मुझे लगता है कि महाराष्ट्र की जनता भी बहुत खुश है। ये बोलने में एक था और करने में दूसरा था, उसके जीवे पर क्या बोलते अमृत और मन में जहर था, इसलिए वो मराठों को सबको, अभी भाषा अच्छी नहीं है लेकिन फंसाता था, उनके साथ खिलवाड़ करता था, किसानों के साथ खिलवाड़ की। मैं खुद था किसान मुक्त कर्ज कर्ज मुक्ति के कमेटी में, तो इसने कोई किसानों के लीडर हाथ लेकर वो सरसकट कर्ज माफी का जो बदल किया और तत्वता किया, तो मैंने उससे नहीं बोला कि इसने आपको बनाया है, आप फंस गए हैं। ये तत्वता कर्ज माफी मीन्स नो कर्ज माफी, ये सरसकट कर्ज माफी ही काम कर सकती थी। अभी इस सरकार से हमने लिया है वचन कि सरसकट कर्ज माफी करेंगे, और मैं सोचता हूँ कि ये सरकार आने के बाद मैं सिर्फ किसानों का काम करूंगा, दलित वंचितों का काम करूंगा, हम जो मेरा मिशन है मुस्लिम दलित आदिवासियों को संगठित करूंगा। इसमें मुझे ताकत, 5 साल हमारे सब आंदोलन बंद हो गए थे, सबके आंदोलन बंद हो गए थे, सिर्फ इन्होंने आशीर्वाद दिए, वैसे मराठा मोर्चा वगैरह ऐसे आंदोलन चल रहे थे, जो आरएसएस चल रहा था वही आंदोलन चल रहे थे। ये भी और 5 साल रहता कि हम हमारे ऐसे सब काम करने लोगों की बर्बादी होती, सब आंदोलन खत्म हो जाते। सर हमने इसलिए बोली बोली, सर हमने इसलिए आज जो हुआ है इससे महाराष्ट्र की जनता बहुत खुश है, और मुझे ज्यादा खुशी इसलिए है कि ये मिशन मैंने 2014 से आज तक शुरू किया था। मेरी 24 तारीख की पोस्ट देखो, 24 अक्टूबर जब रिजल्ट आए तो मैंने शरद पवार का आह्वान किया कि 2014 में की ये गलती मत करो, आपको नेता बनने का और भी मौका मिल सकता है, पहले महाराष्ट्र से संघ को मुक्त करो। बिल्कुल सर, बोलो। हमने पिछले एक महीने से देखा कि बीजेपी पुरजोर कोशिश कर रही थी कि कैसे ना किसी तरह से सत्ता में वापसी करे, लेकिन बराबर, जब आज वो रिजल्ट सामने आया मुख्यमंत्री मैं को बताता दिख हूँ आपको, उनका प्लान था, उन्होंने एक पार्टी के 30 MLA को एक एक 100 100 करोड़ लेके, पर वन थर्ड टू थर्ड चाहिए था ना, वो तय किया था, उसमें से 3 4 परचेज भी हुए थे। तब मैं मुंबई में आया और सभी पार्टियों के MLA को बोलो, मैंने बोला कि आपने अपने दावे में रखो, कांग्रेस के सब इकट्ठा किए वहां भेजे, उधर जयपुर शरद पवार के साथ थे, तो भी अजीत दादा ने इतनी गड़बड़ की, और शिवसेना तो इसको जाने नहीं देंगी, पिटेंगी उसको, तो पहले हम MLA संभालो भाई। ये मैंने जब जिस दिन मुझे मालूम हुआ कि ये सब चोरी हो गई, और गवर्नर जो है ये राज्यपाल नहीं, ये भाज्यपाल था, क्योंकि ये उनको मदद था, पहले 10 12 दिन कुछ नहीं था, उसने पहले दिन इलेक्शन होने के बाद दूसरे दिन सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को बुलाना दिया था, लेकिन सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को बाजार में जाके MLA खरीदी करने के लिए वो, क्योंकि शिवसेना ने पहले नंगा नाच किया था, तो इसलिए उनको मौका दिया, वो हुआ नहीं, फिर उसको लगा कि शपथ देंगे तो लोग जमा हो जाएंगे, वो भी हुए नहीं। इसमें मैं आज जो 30 साल से मैं शरद पवार का विरोधी हूँ, मैं इसमें ज्यादा से ज्यादा, लेकिन सब ज्यादा क्रेडिट, सर क्योंकि वो पिछले आज भी कभी मोदी शाह की उनकी है, वो कुछ गड़बड़ कर सकते सर पिछले 2 3 दिन में ऐसा लग रहा था जिस तरह से अजीत पवार ने अपना डिसीजन जो चेंज किया था उससे कहीं ना कहीं बीजेपी की सरकार आ सकती थी, लेकिन नहीं। देखो वो भी एक मोदी शाह देवेंद्र को शरद पवार की धोबी पछाड़, क्योंकि अजीत के खिलाफ केसेस थे, आज अजीत के केसेस से निकाले गए ना,
और निकालने के बाद अभी ये भी सील भी फाइल करेंगे, तो कोर्ट को हम कहेंगे कि ये तो सिर्फ पॉलिटिकल है, ये निकालते भी है, ये दाखिल भी करते हैं। तो ये शायद शरद दोनों की, शरद पवार अजीत पवार की गेम थी, उन्होंने सबसे भारी गेम किया, उसको उधर भेजा, उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं थी ना, उसने कब उसको लेटर दिया था कि तू गट नेता है, तो वो खुद का ऐलान थोड़ा गट नेता होता है। और फिर जो शरद पवार ने कल कॉन्फिडेंस भाषण किया ना आम लोगों के सामने, आप चिंता मत करो अजीत कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो गट नेता का भी लेटर उसके पास नहीं है, गट नेता हमारा जयंत पाटिल है। बिल्कुल, क्या 100% ये सही है सर कि ये पवार का ही पावर गेम था? 100% तो नहीं कह सकते यार, लेकिन खुद वो संजय राउत 2-4 महीने शरद पवार के साथ होते हुए कहता है तो शरद पवार को समझने के लिए 100 पीढ़ियां जानी पड़ेगी। तो आज तक तो महाराष्ट्र में उन्होंने दिखा दिया है, लेकिन मैं 2017 की दिवाली से उनके साथ गया हूँ, उनके घर जाके दिवाली मनाई थी बारामती में। 30 साल के वैचारिक विरोध के बावजूद मैंने कहा कि भाई मोदी और शाह का क्या करेंगे, और उससे हम उनको मिलते थे, लेकिन जब भी मिलता हूँ वो कभी अपने पत्ते खोलते नहीं, ये मेरा अनुभव है 2 साल का। पहले तो 78 के पहले शरद पवार अलग था, उनकी बहुत अच्छी इमेज थी, वो 78 में वसंत दादा के पार्टी में खंजीर को फंसने के बाद पीठ में उनकी इमेज खराब हो गई, तब तक वो अच्छी इमेज थी। हम उनको मिलते थे तो भाई हम दोस्त ही थे, और वो और मैं उम्र है सिर्फ 9 महीने का फर्क है, वो मुझसे 9 महीने ज्यादा। सर जो आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस राजीनामा मतलब अपना इस्तीफा देने जा रहे हैं राज्यपाल के पास, क्या वाकई में ये देश के ही नहीं महाराष्ट्र में ही नहीं देश का देश की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर है? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने अभी लिखा है कि देवेंद्र तो गया, नरेंद्र अमित भी जाएंगे, थोड़ा समय की बात है, जाना ही पड़ेगा, अब हो गए हो गए तो मिले थके, इन्होंने हेलो हाँ सर हाँ, इन्होंने नोटबंदी के पहले 3 लाख करोड़ रुपए छाप के लाए, प्रिंट करके लाए बाहर से, जो गवर्नर नहीं था उसके वो उर्जित पटेल के सिग्नेचर के लाए, तो इनकी ताकत क्या थी? 100 करोड़ इनको कुछ नहीं, बिल्कुल अभी भी 30 मिनट को 100 करोड़ कबूल किए थे महाराष्ट्र में, ऐसा कहते हैं 3000 करोड़ बस। तो सब ये पक्षी का गेम हुआ, और हवाओं पर खेलने का जो गेम हुआ, कश्मीर को बर्बाद किया, सब देश दुनिया के इंटरनेशनल रिलेशन में गड़बड़ कर दी, तो इन्होंने देश का क्या छोड़ा है? यानी जब किसी देश का दुश्मन जैसा जनता के साथ बर्ताव करता है वैसा मोदी है, नोटबंदी करके सबको भिखारी किया, आज भी जीएसटी के लोग मुझे मिले इतने मुसीबत में है बेचारे कि वो भर नहीं सकते जीएसटी, तो जीएसटी नोटबंदी और सब बैंक का दिवाला, जुडिशियरी के जुडिशियरी पर दबाव, सीबीआई का दिवाला, आईबी का दिवाला, क्या रखा क्या इसने? प्रजातंत्र की जो भी संस्था है उस संस्था को खत्म करके प्रजातंत्र के बजाय मोदी तंत्र शुरू किया है। सर जिस तरह से पिछले 5 साल में मोदी सरकार और फडणवीस सरकार का रवैया रहा है, इनका नाम जज लोहिया केस में भी सामने आया, एक्सिस बैंक घोटाले में भी इनका नाम सामने आ रहा था, तो क्या वाकई में इन सभी फडणवीस के खिलाफ वो चीफ मिनिस्टर बनते मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी, इनके खिलाफ 302 और 377 की केस थी, उसके पेपर मैंने प्रोड्यूस किए थे, ये सीएम होने के बाद वो बदल दिए पेपर। क्या आने वाले समय में इन पर कार्रवाई होगी सर? अभी देखो ये तो बात आने वाले सरकार के क्या रवैया रहता है उसके बाद है, लेकिन हमें लगता है कि किसी भी संघ के आदमी को स्पेयर नहीं करना चाहिए। इन्होंने बाबरी मस्जिद गिरा के देश का संविधान कायदा सुव्यवस्था और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर सबकी धज्जियां उड़ाई, तो संदेश क्या गया देश में कि इनके लिए कोई कानून है ही नहीं, अभी तक कुछ नहीं हुआ उनको,
संविधान के खिलाफ है बाबरी मस्जिद गिराना, दो तरह से हमारे मूलभूत कर्तव्य इतिहास ऐतिहासिक ठेवाज अपना। उसके बाद गुजरात हुआ, उसके बाद मॉब लिंचिंग क्या क्या हुआ 5 साल में आपने देखा। तो देश में कानून और व्यवस्था रही का, संविधान के अमल बजानी हुई का, पहले ही नहीं हुई थी अच्छी, लेकिन इन्होंने तो संविधान की धज्जिया उड़ा दी। कांग्रेस वाले थोड़ी शर्म थी उनको, ये साले बेशरम, इतने बेशरम निकले कि इनको शर्म ही नहीं। सर ये जो पूरा घटनाक्रम देखे, एक आखिरी सवाल, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का आज फैसला आया, इसमें आप किसकी जीत मानते हैं? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने आज जो फैसला दिया है वो कानूनी कानूनी अच्छा है। कई लोकतंत्र की सबसे बड़ी जीत मान सकते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट 8 दिन भी कह देते, और सुप्रीम कोर्ट बोला होता कि जाओ गवर्नर के पास, उसको डिस्क्रिशन है तारीख कब तय करने का, लेकिन उन्होंने किया नहीं। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने भाई कितनी सुप्रीम कोर्ट ने गलती की हमने सह ली है ना, बाबरी मस्जिद हो जो भी, हमने मैं तो हमेशा टीका करता है, लेकिन आज के डिसीजन के बारे में बोलने में कुछ नहीं है, उनके खिलाफ बोलने में और उनके उनके ऊपर टीका टिप्पणी करने में कुछ नहीं। बिल्कुल, शुक्रिया सर जम्बूदीप से बात करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।